कानपुर, कोरोना त्रासदी से प्रभावित मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से अपने घर आने को हुए मजबूर। हजारों मजदूरों को लगातार लॉकडाउन के प्रारंभ से कानपुर से बीजेपी के युवा नेता जीत सिंह हाईवे पर रोज कर रहे हैं पानी, भोजन, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री का वितरण। बिना किसी की मदद व सहयोग के युवा नेता जीत सिंह निरंतर कर रहे हैं जनहित में कार्य, जो अपने आप में सराहनीय अति प्रशंसनीय है। उक्त जनमानस की सेवा में प्रतिदिन अपने मानव सेवा का दायित्व निर्वाह करते हुए श्याम सिंह, किरण तिवारी, आयुष कुमार, बीके विश्वकर्मा आदि लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। ये मैं सड़क पर देख रहा हूँ कि पलायन कर रहे मजदूरों के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं यहाँ भोजन आदि का वितरण कर रही हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जीत प्रताप सिंह है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ इस समय जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, हमारी एक यहाँ पर मानव सेवा सुरक्षा एसोसिएशन भी है, उनके भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सब लोग हम लोग जो है बराबर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो निर्देश आया है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और जो हमारे यहाँ जो सरकार ने जो निर्देश दिए, तो हम लोग क्या जो जगह जगह वार्डो में मोदी रसोई चल रही है, हम लोग वहाँ के माध्यम से और कुछ लोग अपने अपने साधनों के माध्यम से यहाँ पर जैसे बराबर निरंतर जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब से लगातार हम लोग खाना बांट रहे हैं। और आज हम लोग का यहाँ पर आने का ये उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पर इस समय खड़े हैं। ये हाईवे है जो दिल्ली से आता है और जो आगे सीधा लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है, बिहार की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो लोग पलायन, जो लोग आके जो मजदूर बाहर रह गए थे, अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जो कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ट्रकों में भर के आ रहे हैं, अपने साधनों की व्यवस्था करके आ रहे हैं निजी साधनों से। तो हम लोग यहाँ पर जो है निरंतर यहाँ पर सुबह के समय, शाम के समय लंच पैकेट की और जिससे पूरी सब्जी भी रहती है, कभी हम लोग तहरी का वितरण करते हैं, पानी का वितरण करते हैं। तो बराबर निरंतर ये प्रयास है कि हमारे यहाँ हमारे शहर से कोई व्यक्ति अगर निकल रहा है तो कहीं से भूखा ना जाए, जो यहाँ पर डेली काम करने वाले मजदूर हैं भूखे ना सोएं। हम सब जो है सरकार के माध्यम से और अपने संगठनों के माध्यम से ये पूरा प्रयास करते हैं कि हम लोग इस मुहिम में सफल हों। जैसे माननीय मोदी जी ने लगातार तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया है, तो लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करने के साथ साथ क्या जो सामाजिक सेवी संस्थाएं जो समाज में निकलकर मजदूरों, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कार्य कर रही हैं, इनके साथ क्या शासन प्रशासन से इन समाज सेवी संस्थाओं की कोई ऐसी मीटिंग कि हम जो ये लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं तो आपकी क्षमता मान लीजिए 15 दिन की थी तो वो 25 दिन भोजन कैसे आप देंगे? तो ये निजी संस्थाओं से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है जीत जी की सरकार की तरफ से भी कुछ योगदान आपको आर्थिक रूप से या सामग्रिक रूप में है? सरकार ने तो ये कहा है कि आप लोग जो अपने अपने जो जो निजी संगठन चल रहे हैं, जो लोग जिस चीज में समर्थ हैं, तो अपने अपने निजी उससे करके अपना अपना जहाँ पर जो जो मजदूर मिल रहे हैं, जहाँ पर जिनको देख रहा है कि जो लोग अपना खाने की जिनको कमी हो रही है, तो उनके हम लोग को खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी है। और जहाँ पर कुछ कमी हो रही है तो सरकार ने वाकई राशन मुहैया कराया है। सरकार ने जो कई जगह 5 किलो देखिए फ्री चावल, अभी जो राशन कार्ड के जो कार्ड धारक सबको अभी बंटवाया गया है। और आगे में जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं इस लॉकडाउन से लड़ने में, सरकार की जो योजनाएं बहुत लाभकारी होंगी। इसका मतलब व्यक्तिगत आप अपने और जो आपके हम लोग सहयोगी गण हैं, सरकार का सहयोग सदैव रहेगा। सरकार के सहयोग के बिना तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और फिर उसके लिए हम लोग का जो संगठन है, जो व्यक्तिगत जो लोग जुड़े हैं, जितनी समाज सेवी संस्थाएँ चल रही हैं, तो हमारे कानपुर महानगर में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएँ और सब लोग जो है इस समय किसी दल की राजनीति नहीं हो रही है, सर्वदलीय हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोग मिल के जो है इस कार्य को निभा रहे हैं, भरपूर निभा रहे हैं। और जब तक हम लोग ये चलेगा इसको निभाते रहेंगे। मैं कानपुर से प्राइम न्यूज़ मनोज दीक्षित, मैं आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर आपके इस समाज सेवा के हौसले को ऐसे ही बरकरार रखे। धन्यवाद। कानपुर से किशोर मोहन गुप्ता की रिपोर्ट।